शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित होता है। एक शब्द मंत्र हो जाता है तो वहीं एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है, इसलिए जीवन में हमें हमेशा मधुर वाणी से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता के दिए गए संस्कारों को जाहिर करने का एकमात्र तरीका हमारी भाषा ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत बरुआ आपका आपके चैनल प्लैनेट्स एंड हाउसेज में अंतर्मन से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या राशि वाले दोस्तों के लिए अगस्त का महीना भाग्य, जॉब, बिजनेस, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह किस दिन किस राशि में गोचर करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह आपका बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ इस महीने होने वाले ग्रह गोचरों का आपकी कुंडली में क्या प्रभाव होगा, हम सीधा इसके बारे में ही बात करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक अवश्य करें, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाए। आइए जानते हैं कि अगस्त माह में आपका भाग्य क्या कहता है। दोस्तों, आपके भाग्य स्थान के स्वामी शुक्रदेव हैं, जो 1 अगस्त से आपके कर्म भाव में मित्र बुध की मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ये महीना आपके भाग्य की वृद्धि के संकेत के साथ साथ आपके कर्म भाव में लाभ की योग भी बना रहा है। यदि बाकी अन्य ग्रह गोचरों को भी विचार में लिया जाए तो ये महीना जॉब, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध के नज़रिए से आपके लिए शुभ रहेगा। आगे वीडियो में हम इन सभी के बारे में एक एक करके विस्तार से बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि जॉब के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा कि शुक्र मित्र बुध की मिथुन राशि में 1 अगस्त से गोचर करेंगे। ये महीना आपको कार्य क्षेत्र में आर्थिक लाभ के साथ साथ नई जॉब के अवसर भी दे सकता है। यह महीना आपको आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नए अनुभव भी देने वाला है। यदि आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये कोई कोर्स या ट्रेनिंग आपको करवा सकता है। मतलब इस तरह का जो योग है वह बन रहा है। समय आपके लिए इस नज़रिए से शुभ रहेगा। इस महीने आप जॉब के साथ साथ खुद का अपना कोई कार्य शुरू करने के ऊपर भी विचार बना सकते हैं। आपके प्रयास आपको इस महीने काफ़ी सकारात्मक परिणाम अवश्य देंगे। आइए जानते हैं कि बिजनेस और प्रोफेशन के नज़रिए से अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। व्यवसाय संबंधित नुकसान और कर्जे कहीं ना कहीं आपको मानसिक चिंताओं से घिरे रख सकते हैं, इसलिए कर्जा उतारने के लिए नया कर्जा लेने से पहले गंभीरतापूर्वक इस पर विचार अवश्य करें। कोई कर्जा व्यवसाय के लिए तभी लें जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रणनीति हो, कोई स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान हो। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को आपको अच्छे से प्लान करना होगा। समय आपके लिए उचित है, परंतु आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि ग्रह गोचरी अवस्थाओं का आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। ये महीना पारिवारिक जीवन में आपको अतिरिक्त खर्चे दे सकता है, परंतु परिवार का सहयोग भी आपको पूरा पूरा प्राप्त होने वाला है। इस महीने आप अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार कोई ऐसा कार्य अवश्य करें जिनसे उनके मन को प्रसन्नता हो। यह आपके भाग्य वृद्धि में भी सहायक होगा। जीवन की भाग दौड़ में अक्सर हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इसलिए इस महीने इस तरफ ध्यान अवश्य दें। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आइए जानते हैं कि लव रिलेशनशिप मतलब प्रेमी युगल के नज़रिए से समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, यदि आपके प्रेम संबंधों में किसी मन मुटाव के कारण दरार आ गई है तो इस तरफ शांत मन से एक बार फिर से प्रयास अवश्य करें। आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। बस ईगो और एटीट्यूड को अपने संबंधों के मध्य बिल्कुल भी ना आने दें। समय आपके लिए शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि शिक्षा के नज़रिए से अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये महीना मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए विशेष रहने वाला है। बस अपनी एकाग्रता अपनी शिक्षा की तरफ बनाए रखें। अपने आप को किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर अवश्य रखें। यदि आप किसी पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आइए आप संतान के दृष्टिकोण से जानते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये महीना संतान पक्ष के नज़रिए से आपके लिए मिला जुला रहेगा।
संतान स्वास्थ्य के प्रति आपको अधिक सचेत रहने की ज़रूरत है, विशेषकर तापमान बदलाव का विशेष ख्याल रखें। अधिक ठंडी चीज़ों के सेवन से अपने संतान को दूर रखें, वरना ये सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें संतान को दे सकता है। और वर्तमान समय को देखते हुए इन सभी बातों के प्रति विशेष ख्याल रखना परम आवश्यक है। आइए अब जानते हैं कि अगस्त के महीने में होने वाले ग्रह गोचरों का आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। ये महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये महीना आपको शारीरिक थकावट के साथ साथ थोड़ी सी मानसिक चिंताएं भी दे सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। अपने आप को ओवर स्ट्रेस से दूर रखें और मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये राशिफल आपके लिए सहायक सिद्ध हो, और यदि आपको ये वीडियो सहायक लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और यदि आप अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके या हमारी वेबसाइट www.planetsandhouses.com पर आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और कामयाब रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं हेमंत बरुआ आपसे आज्ञा चाहूँगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।